नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अपने नंबर वन दोस्त के पास उसको कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सामान भेज रहा था। दोस्तों, उसको ज़रूरी सामान मिल जाती तो इससे उसका बहुत ही भला हो जाता, लेकिन इस बीच स्पेन ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उस देश के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो गई है। दोस्तों, अब ये समझ लीजिए कि वो हमारा ऐसा दोस्त है जिसका हमें साथ देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसने जब हमारी कारगिल का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो उस देश ने हमारी बहुत मदद करी थी। भारत की मदद ऐसी हुई थी भारतीय वायुसेना की कि उससे हमारे युद्ध का पूरा ये समझ लीजिए कि लड़ाई ही बदल गई। अच्छे से हमने उस युद्ध को जीत लिया, उतनी हमारी कैजुअल्टी नहीं हुई जितनी हमारी हो सकती थी सैनिकों की। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि पूरी खबर ये है क्या। दोस्तों, दरअसल भारत और इज़राइल बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये समझ लीजिए कि इज़राइल भारत का नंबर वन दोस्त है। अगर ये कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। दोस्तों, इज़राइल इस वक्त युद्ध में उलझा हुआ है। युद्ध उसका चल रहा है हमास के साथ, हिजबुल्ला के साथ। हमास के साथ तो ऑफिशियली चल रहा है, हिजबुल्ला के साथ भी उसकी आए दिन फायरिंग होती रहती है, झड़प होती रहती है, एयर स्ट्राइक होती रहती है। इसी के साथ उसको एक और जगह से थ्रेट है, वो है ईरान। ईरान के साथ भी उसके रिश्ते बहुत ख़राब हैं और बिल्कुल युद्ध की ही तरफ है ईरान और इज़राइल, ऐसा समझ लीजिए। तो ऐसे में इज़राइल को कुछ विस्फोटक की ज़रूरत थी। हालांकि ये अभी श्योर नहीं है कि वो विस्फोटक उसको युद्ध के लिए ज़रूरी था या कुछ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, इस पर अभी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन उसको विस्फोटक की ज़रूरत थी। तो उसने भारत की मदद मांगी और भारत से विस्फोटक मंगाया। तो भारत ने भी दोनों हाथे खुले होकर इज़राइल को गले लगाया और उसको विस्फोटक देने के लिए हाँ भरी और अपने एक शिप में विस्फोटक को लदवाया और इज़राइल के लिए भेज दिया गया। अच्छा, इज़राइल के लिए भेजा गया तो वो अफ्रीकी महाद्वीप की तरफ से भेजा गया, जो ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। अब दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा रास्ता लंबा हो जाता है तो शिप को कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है, जिससे उसको फिर से उसमें फ्यूल डलवा दिया जाए और अगर कोई मेंटेनेंस वगैरह करवानी है तो वो रिपेयर और मेंटेनेंस हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही भारतीय शिप को स्पेन में खड़ा करने के लिए बोला गया। तो भारतीय जो स्पेन भारतीय शिप में जो बैठे हुए लोग थे, उन्होंने स्पेन से बातचीत करी, स्पेन के अधिकारियों को बोला कि हमें अपना शिप को यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए रखना है और रिफ्यूलिंग करवानी है। तो स्पेन के अधिकारियों ने पूछा कि इस शिप में क्या है और ये शिप कहाँ जा रहा है। तो भारत के जो अधिकारी थे शिप में, उन्होंने बताया कि ये शिप इज़राइल जा रहा है और ये कुछ विस्फोटक लिए हुए इसको लेकर हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, इतना सुनते ही स्पेन ने पूरी तरीके से उस शिप को रोकने से मना कर दिया, उसको डॉक नहीं होने दिया स्पेन में। तो दोस्तों, जैसे ही ये चीज़ हुई तो ये समझ लीजिए भारत और इज़राइल दोनों ही देश बिल्कुल, उनको समझ में नहीं आया कि दरअसल ये हुआ क्या, वो बिल्कुल चौंक गए। सोचिए, स्पेन से ऐसी उम्मीद थी नहीं इज़राइल को, इसलिए क्योंकि स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है और पूरा का पूरा यूरोप इज़राइल के कहीं ना कहीं पक्ष में है, प्रो इज़राइल हैं ये लोग, विपक्ष मतलब उनके इज़राइल के ख़िलाफ़ नहीं रहते, और भारत से भी स्पेन की कोई दुश्मनी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, ये उसने शिप को खड़ा नहीं होने दिया तो ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात थी कि हमारा सामान जा नहीं पा रहा है इज़राइल में, जो इस वक्त उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, फिर हालांकि इसका दूसरा रास्ता निकाला गया और दूसरे देश में इस शिप को खड़ा किया गया और उसके बाद से आगे इज़राइल के लिए ये भेज दिया गया। दोस्तों, ये तो एक लंबा रूट था इसलिए ऐसा करना पड़ा। एक और भी रूट है, ये हम स्वेच कैनाल की तरफ से भी भेज सकते थे, बस ये पर्शियन गल्फ की तरफ से। लेकिन दोस्तों, ये भेजा तो जा सकता था लेकिन इसमें एक ख़तरा था इस रास्ते में। दोस्तों, इस रास्ते से कोई भी शिप निकल रही है, उसका किसी भी तरीके से कनेक्शन अगर इज़राइल के साथ है तो उसमें अटैक हो जाता है, और ये अटैक करते हैं हुती विद्रोही जो हैं, जो वो आतंकवादी हैं एक तरह से, ये लोग अटैक कर देते हैं शिप में। तो इसीलिए भारत ने ये सोचा कि हमको ये रूट नहीं लेना है और हमको दूसरा रूट लेना है, यूरोप से होते हुए ही पूरा जाना है इज़राइल को। तो दोस्तों, ये चीज़ थी
हालांकि स्पेन ने ऐसा क्यों किया अभी भी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन जो भी किया ये अच्छा नहीं है, ना ही इसराइल के लिए ना ही भारत के लिए। इससे कहीं ना कहीं रिश्ते ख़राब होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो दोस्तों ये एक बड़ी ही विचित्र सी खबर थी, क्योंकि हम अपने दोस्त की वैसी मदद नहीं कर पाए जितनी हमें जल्दी कर पानी थी, उतनी जल्दी नहीं हो पाई। दोस्तों अब इससे कुछ और डेवलपमेंट आती है तो मैं आपको इसके लिए अपडेटेड वीडियो ले कर आऊँगा, क्योंकि अभी इसराइल का इसमें कोई जवाब आया नहीं है। इसराइल का अब जैसा कुछ जवाब आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा अपडेटेड वीडियो में। धन्यवाद।